अपने अपने दावे, अपने अपने वादे, लेकिन आज मतदान का दिन है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं मतदान की इस प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए। कई सहयोगी अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्नाव से हिमांशु मिश्रा हैं, कुमार अभिषेक लखनऊ से हैं, शुभांकर मिश्रा रायबरेली से हैं और कुमार कुणाल लखीमपुर खीरी से हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले लखनऊ चलेंगे। नेहा बातम मेरे साथ, मेरी सहयोगी मौजूद है। नेहा, आप जिस पोलिंग बूथ पर हैं वहां की तस्वीरें दिखाइए। लखनऊ की ये लड़ाई बेहद दिलचस्प है, जहां पर दो दो कैबिनेट मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। नेहा, आसपास की तस्वीरें क्या बोल रही हैं? आज का यह दिन लखनऊ वासियों के लिए कितना ज्यादा अहम? देखिए चित्रा, आपने तो उत्तर प्रदेश के कई इलाकों को कवर किया है और आपने ये भी समझा होगा कि कैसे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की लड़ाई हर एक पार्टी लड़ रही है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उस पार्टी की हो जाती है जो किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को या फिर किसी एक पर्टिकुलर जाति को साधने में कामयाब हो जाती है। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में, बेहद हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है क्योंकि यहाँ से बीजेपी के लिए मैदान में है पूर्व IPS अधिकारी राजेश्वर सिंह और यही वो सीट है जहाँ पर 2017 में स्वाति सिंह जीती थी। भारी बहुमत से स्वाति सिंह को जीत हासिल हुई थी, लेकिन इस बार स्वाति सिंह पर दोबारा भरोसा नहीं जता आते हुए पूर्व IPS अधिकारी राजेश्वर सिंह पर भरोसा जताया है बीजेपी ने। कुल 4 लाख मतदाता हैं। यहां पर राजेश्वर सिंह का मुकाबला है अभिषेक मिश्रा से, जो कि समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं और अभिषेक मिश्रा को भी एक बेहद महत्वपूर्ण यहां पर कैंडिडेट माना जा रहा है क्योंकि ये सीट दरअसल समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। 3 बार यहां से समाजवादी पार्टी जीती है, 2 बार कांग्रेस जीती है, लेकिन इस बार बीजेपी की साख जो है दांव पर है क्योंकि बीजेपी चाहती है कि 2017 में रिजल्ट थे वो एक बार फिर से 2022 में दोहराए जाएं। राजेश्वर सिंह एक बड़ा, एक बेहद महत्वपूर्ण चेहरा जिन्होंने VRS लेकर इस बार राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने का सोचा है और ऐसे में राजेश्वर सिंह पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इस वक्त मैं जिस बूथ पर मौजूद है, पीछे की तस्वीरें आप देख सकते हैं, चेकिंग हो रही है लगातार, तमाम पुलिसकर्मी मौजूद है। अंदर जाने की मीडिया कर्मियों को इजाजत नहीं है, एक एक करके यहाँ पर लोग तो पहुंच रहे हैं और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा आप देखेंगे चित्रा कि यहाँ पर भी भीड़ बढ़ने वाली है क्योंकि सरोजनी नगर एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर 4 लाख मतदाता है और 4 लाख मतदाता का मतलब आप ये समझिए कि 4 लाख मतदाता जो आज लगभग 6 बजे तक वोटिंग चलेगी, उस समय तक जब तक पहुंचेंगे तब तक काफी ज्यादा जोश और उत्साह इस विधानसभा क्षेत्र में खास तौर पर देखने को मिलने वाला है। लेकिन राजेश्वर सिंह एक अहम चेहरा, एक बेहद महत्वपूर्ण चेहरा चित्रा। राजेश्वर सिंह भी अधिकारी रहे हैं, इधर प्रोफेसर साहब हैं समाजवादी पार्टी से, दोनों के परिवारों में अधिकारियों की फौज है क्योंकि अब जहां अभिषेक मिश्रा के पिता IAS अधिकारी रहे हैं तो वहीं राजेश्वर सिंह की पत्नी अभी भी अधिकारी हैं। तो ये कुल मिलाकर दो ऐसे लोग जो पहले पॉलिटिक्स में नहीं थे, बाद में राजनीति में अपनी किस्मत आजमाते हैं। इसके पहले हालांकि मंत्री बन चुके हैं अभिषेक मिश्रा सपा सरकार में, लेकिन राजेश्वर सिंह का इस बार क्या हाल होता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। और भी सहयोगियों के पास हम चलेंगे, लेकिन राजेश्वर सिंह ने आज के चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा है, उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता ने, सुनिए। पुलिस में जो मैंने कार्य किए लखनऊ में, मैं पोस्टेड भी बहुत साल रहा हूँ, जनता जानती है कैसे निडरता से, निर्भीक होकर, निष्पक्ष तरीके से मैंने कार्य किया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की भी सारी चीजें लोगों को मालूम है, कैसे कार्रवाई करी, उसका जरूर फायदा होता है। जनता बहुत अप्रिशिएट करती है कि कोई भी आदमी निष्पक्ष तरीके से देश के प्रति समर्पित होकर कार्य करता है। दूसरा, वो ये भी जानती है कि एक एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर है, सरकार में कैसे काम किया जाता है, कैसे कराया जाता है, तो क्षेत्र के विकास के लिए इसका बहुत उपयोग होगा। तीसरा, वो ये भी जानती है कि यदि इसको लालच होती तो इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के जनसेवा में नहीं आता। तो जनता हर तरह से हमारे साथ है और जनता बहुत उत्साहित है, हमारे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है राष्ट्र प्रथम की, वो विचारधारा जनता की भी है। कोई नहीं चाहता कि अपराधी राजनीति में आए, भ्रष्टाचारी राजनीति में आए और माफिया सरकार बनाए, जो समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियां कर रही हैं, अपराधियों को, माफियाओं को, भ्रष्टाचारियों को जेल से चुनाव लड़वा रही हैं, उनके परिवार। तो आप पहले कानून एनफोर्स करते थे, अब क्या करेंगे अगर इलेक्ट हो जाते हैं? अच्छे कानून बनाने में मदद करनी है ताकि ये माफिया, अपराधी और भ्रष्टाचारी खत्म हो राजनीति से।